हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना चैनल एस आर जाजूरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजेक्शंस पर, और आज के जो हमारे कंजेक्शन हैं वो है आइदर और दूसरा है नाइदर नॉर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइदर और पे, तो ये देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है और किस सेंस में इसका यूज किया जाता है। आइदर और का मतलब है दो में से कोई एक के लिए हम इसका यूज करते हैं। यदि हिंदी के शब्द देखें तो या तो या फिर, या तो या फिर, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। और आइदर और में जो सेंटेंस होते हैं वो दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। वो कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस को मिक्स करके फिर हम आइदर और का यूज करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखें, पहली स्ट्रक्चर ये है जब सब्जेक्ट इन दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस में एक ही हो, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आइदर, फिर वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन, या हो सकता है प्रोनाउन हो, इसके बाद आप और का यूज करोगे, फिर वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। एक विशेष आपको ध्यान ये रखना है, यदि आइदर का यूज वर्ब के पहले हो रहा है तो और का यूज भी वर्ब के पहले ही होगा। यदि आइदर का यूज एडजेक्टिव के पहले हुआ है तो और का यूज भी एडजेक्टिव के पहले ही होगा। यदि आइदर का यूज नाउन या प्रोनाउन के पहले हुआ है तो और का यूज भी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही होगा। अब दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, जब सब्जेक्ट हमारे पास दो अलग-अलग हो तो सबसे पहले आप आइदर का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट लिखोगे यहाँ, उसके बाद और, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यदि है तो लगाओगे, नहीं फिर वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, व्हेन सब्जेक्ट इज सेम, यानी जब सब्जेक्ट एक ही हो और क्रियाएं अलग अलग हो रही हो, जैसे रोमित इज प्लेइंग क्रिकेट और रोमित इज वाचिंग टीवी, यानी रोमित जो है क्रिकेट खेल रहा है और रोमित टेलीविजन देख रहा है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट एक ही है, रोमित है, यहाँ भी रोमित है, तो रोमित क्रिकेट खेल रहा है और रोमित टेलीविजन देख रहा है। अब ये सेंटेंस देखिए, मैंने पहले कहा था कि दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव होंगे, यानी सामान्य सेंटेंस है ये। अब इन दोनों सेंटेंस को मिक्स कर दो और हमें यूज करना है आइदर और का, तो किस प्रकार से बनेगा हिंदी में? रोमित या तो क्रिकेट खेल रहा है या फिर टेलीविजन देख रहा है, यानी दो में से कोई एक काम कर रहा है, या तो वो क्रिकेट खेल रहा है या फिर टेलीविजन देख रहा है। तो आप कैसे बनाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ सेम है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे रोमित, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद आइदर, फिर क्या काम कर रहा है पहला वाला प्लेइंग क्रिकेट, फिर और, फिर दूसरा काम वाचिंग टीवी। तो दोनों में से कोई एक काम कर रहा है। हमारे पास दो सेंटेंस थे, एक में लिखा था कि क्रिकेट खेल रहा है और दूसरे में टेलीविजन देख रहा है, तो रोमित या तो क्रिकेट खेल रहा है या फिर टेलीविजन देख रहा है। अब देखिए आइदर का यूज हमने वर्ब के पहले किया है प्लेइंग, तो यहाँ और का यूज भी वर्ब के पहले ही हुआ वाचिंग। एक और सेंटेंस ले, जब सब्जेक्ट समान हो, मुस्कान इज इंटेलिजेंट और मुस्कान इज क्लेवर, मुस्कान बुद्धिमान है और मुस्कान चालाक है। देखिए सब्जेक्ट एक ही है, मुस्कान है, यहां भी मुस्कान है। अब इन दोनों को मिक्स करो और यूज करो आइदर और का, तो क्या होगा? मुस्कान या तो बुद्धिमान है या फिर चालाक है, तो आप यूज करो आइदर और का, तो मुस्कान इज आइदर इंटेलिजेंट और क्लेवर। अब देखिए इस चीज को समझिए आप, यहाँ इंटेलिजेंट है, इसके बाद और, फिर क्लेवर, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो आइदर का यूज एडजेक्टिव के पहले हुआ तो और का यूज भी एडजेक्टिव के पहले ही होगा। व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, जैसे रोमित इज प्लेइंग क्रिकेट, रोमित क्रिकेट खेल रहा है, और कमल इज प्लेइंग क्रिकेट, कमल क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन क्रिया जो है एक ही हो रही है, ये भी क्रिकेट खेल रहा है और कमल भी क्रिकेट खेल रहा है,
दोनों को मिक्स कर दो और आइदर और का यूज करो। बहुत सिंपल है। तो क्या होगा हिंदी का ये वाक्य, या तो रोमित या फिर कमल क्रिकेट खेल रहा है, यानी दोनों में से कोई एक जो है क्रिकेट खेल रहा है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है, तो सबसे पहले आप आइदर का यूज करोगे, फिर पहला सब्जेक्ट रोमित, फिर और, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कमल, फिर क्या क्रिया हो रही है, इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे जो वर्ब है इसका भी ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी है वो कौन सी होगी, और के बाद जो सब्जेक्ट आता है यहाँ पे उसी की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ तो क्या सेम है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक और आपको आगे एग्जाम्पल दूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट, सी प्लेज क्रिकेट और आई प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलती है और मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दोनों को मिक्स करो क्या बनेगा, या तो वह या फिर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सब्जेक्ट अलग अलग है, तो सबसे पहले आप आइदर लिखोगे, फिर सब्जेक्ट पहला सी, उसके बाद और, फिर सब्जेक्ट दूसरा आई। अब यहाँ जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि और के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाती है। तो आई प्ले क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट। यदि ये सेंटेंस हम उल्टा लिखते, कैसे कि या तो मैं या फिर वह क्रिकेट खेलती है, तो फिर आप लिखते आइदर आई और सी, यहाँ प्लेज आता फिर क्रिकेट आता, है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि और के बाद जो सब्जेक्ट आता है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसी की ही यूज की जाती है। कुछ और एग्जाम्पल ले, वह या तो रमेश है या फिर सुरेश है, तो ही इज आइदर रमेश और सुरेश। या तो अंदर आओ या फिर बाहर जाओ। देखिए सेंटेंस इम्परेटिव है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इस प्रकार के होंगे आइदर, कम इन और गो आउट, यानी वर्ब के पहले आइदर का यूज हुआ है, तो यहाँ और का यूज भी वर्ब के पहले ही होगा। या तो वह या फिर वे जयपुर जाएंगे, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो आइदर सी और दे विल गो टू जयपुर। दूसरा हमारा है नाइदर नॉर। इसका क्या सेंस है, दो में से कोई भी नहीं, उस सेंस में यूज किया जाता है जब दो में से कोई भी नहीं। तो यदि हिंदी के हम मीनिंग देखें, न तो न या फिर न तो और नहीं, इसमें जो दोनों सेंटेंस हमारे नेगेटिव होते हैं और उन दोनों सेंटेंस को मिक्स करके फिर हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। इसकी यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो वही है जो हमने आइदर और में यूज की है, बस अंतर इतना है कि जहाँ आइदर का यूज किया वहां नाइदर का करना है, जहाँ और का यूज किया वहां नॉर का यूज करना है। ये वो स्ट्रक्चर है जब सब्जेक्ट एक समान हो, यदि अलग अलग हो तो फिर आप नाइदर का यूज पहले करोगे, उसके बाद पहला सब्जेक्ट, फिर नॉर, फिर दूसरा सब्जेक्ट, बाकी सब कंडीशन जो है आइदर और की तरह ही है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन सब्जेक्ट इज सेम, जब सब्जेक्ट एक ही हो, राजू इज नॉट ए टीचर और राजू इज नॉट एन ऑथर, यानी राजू एक अध्यापक नहीं है और राजू एक लेखक नहीं है, दोनों को मिक्स कर दो, बहुत आसान है, और आपको जो है नाइदर नॉर का यूज करना है। तो कैसे बनेगा, राजू न तो अध्यापक है और ना ही लेखक है, यानी दोनों में से कोई नहीं, ना तो अध्यापक है और ना ही लेखक है। कई बार हम कहते हैं ना ऐसे झूठ बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ना तो टीचर है और ना कोई ऑथर है। तो आप कैसे बनाओगे इसमें सेंटेंस, राजू इज नाइदर ए टीचर नॉर एन ऑथर, यानी ना तो अध्यापक है और ना ही लेखक है। एक और एग्जांपल लें, जब सब्जेक्ट हमारा सेम हो, राधा डज नॉट प्ले और राधा डज नॉट रीड, राधा नहीं खेलती है और राधा नहीं पढ़ती है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ एक समान है और लेकिन क्रियाएं जो है इसमें अलग अलग होती है, कि राधा नहीं खेलती और राधा नहीं पढ़ती है। तो हमने पहले बताया कि जो नाइदर नॉर में जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इनको मिक्स करो, राधा न तो खेलती है और ना ही पढ़ती है,
जब हम इसमें नाइदर नॉर का यूज करते हैं तो एक सामान्य सेंटेंस की तरह बनता है, लेकिन वो होता हमें जो शो होता है वो नेगेटिव की तरह होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले राधा, फिर नाइदर प्लेज नॉर रीड्स, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट का यूज किया गया था, तब हमने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे यह शो तो नेगेटिव नेगेटिव को ही करता है, लेकिन इसको लिखा सामान्य सेंटेंस की तरह जाता है, तो राधा नाइदर प्लेज नॉर रीड्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जैसे लगता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो उस आधार पे बनाया जाता है। तो ये आपको एक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों क्रियाएं जो है प्लेज और रीड्स। इसके बाद व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट का एक और एग्जाम्पल ले, करण इज नॉट गोइंग टू जयपुर और अर्जुन इज नॉट गोइंग टू जयपुर, यानी करण जयपुर नहीं जा रहा और अर्जुन जयपुर नहीं जा रहा, नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों में से कोई जयपुर नहीं जा रहा, ना तो करण और ना ही अर्जुन जयपुर जा रहा है, किस प्रकार बनाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है। तो सबसे पहले आप नाइदर का यूज करोगे, फिर करण पहला सब्जेक्ट, इसके बाद नॉर, फिर अर्जुन दूसरा सब्जेक्ट, और नॉर के बाद जो हमारी है सब्जेक्ट है कौन है अर्जुन, इसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोग्राम होगा, यानी कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसी के अनुसार लगेगी। तो नॉर अर्जुन इज गोइंग टू जयपुर। व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो एक और एग्जाम्पल है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं और वह फुटबॉल नहीं खेलती है। देखिए सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन जो क्रिया है वो एक ही है, कैसे मिक्स करोगे, ना तो वे और नहीं वह फुटबॉल खेलती है, तो सब्जेक्ट अलग है, पहले नाइदर का यूज करोगे, नाइदर, फिर सब्जेक्ट पहला दे, इसके बाद नॉर, फिर सब्जेक्ट दूसरा सी। अब ध्यान रखो यहाँ पे जो नॉर के बाद सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो सी प्लेज फुटबॉल। ये ही बस आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें, बाकी तो बहुत आसान है, ना तो वे और नहीं वह फुटबॉल खेलती है, तो नाइदर दे नॉर सी प्लेज फुटबॉल। यदि ये सेंटेंस उल्टा होता कि ना तो वह और ना ही वे फुटबॉल खेलते हैं, तो फिर आप क्या बनाते, नाइदर सी नॉर दे प्ले फुटबॉल, फिर यहाँ प्ले आता। कुछ और एग्जाम्पल ले, न तो वह राधा है और ना ही सीता है, तो सी इज नाइदर राधा नॉर सीता, न तो इसे पढ़ो और न ही उसे, तो नाइदर रीड दिस नॉर दैट, न तो तुम और ना ही वह यहाँ आई, तो नाइदर यू नॉर सी कैम हियर। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए, तो क्या है जब कई सारी इस तरह की सीरीज बन जाए तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे इस एग्जाम्पल से समझो आप, न तो वह राधा है और न ही सीता है और न ही गीता है, अब तक हमने दो दो कर लिखा, ये तीन हो गया यहाँ पे। तो जब इस प्रकार की सीरीज बनती है तो आप कैसे करोगे, सीज नाइदर राधा नॉर सीता नॉर गीता, इस प्रकार जो है नाइदर के साथ नॉर जोड़ते हुए आप आगे लिखते चले जाओगे। इस प्रकार के सेंटेंस जो है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बिल्कुल करेक्ट है, किसी प्रकार की कोई शंका या कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल ले, उसने उसे या तो मोबाइल या पेन या फिर किताब दी, तो आप बनाओगे ही गेव हिम आइदर ये मोबाइल और ये पेन और ये बुक, यदि आइदर है तो फिर और का यूज करोगे, और जितनी भी चीजें हैं उसके आगे और बढ़ाते हो आप लिखते चले जाओगे, इस प्रकार से आप सेंटेंस बना दोगे। एक और एग्जाम्पल ले ले, वह मछली मांस अथवा अंडे इनमें से कुछ भी नहीं खाता है, तो आप बनाओगे ही ईट्स नाइदर फिश नॉर मीट नॉर एग्स। तो बस इतना ध्यान रखना है कि आइदर के साथ और का यूज और नाइदर के साथ नॉर का ही यूज करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
अब आपके लिए एक्सरसाइज है आइदर और की, राजू या तो क्रिकेट खेलता है या फिर शतरंज, वह या तो गाना गाती है या फिर नाचती है, सलमान या तो अभिनेता है या फिर गीतकार है, या तो मैं या फिर मेरा भाई फिल्म देखेगा। नाइदर नॉट के लिए एक्सरसाइज है, वह न तो विद्यार्थी है और ना ही शिक्षक है, मैं न तो खेलूंगा और न ही पढ़ूंगा, न तो करीना और न ही कैटरीना गीतकार है, न तो रवि और ना ही शंकर टेलीविजन देखेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और देखते रहिए अपना चैनल SR जाजोरिया। थैंक यू।